नमस्कार, आज हम एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक रसायन विज्ञान के पाठ 4 रासायनिक बल गतिकी का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के प्रथम भाग में हमने अध्ययन किया था अभिक्रिया के वेग के बारे में, औसत वेग, ताक्षणिक वेग क्या होते हैं, अभिक्रिया की कोटि तथा अणुसंख्यता किस प्रकार ज्ञात की जाती है। भाग 2 में हमने देखा था कि शून्य कोटि तथा प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए अर्धायुकाल, समाकलित वेग समीकरण तथा अवकलित वेग समीकरण किस प्रकार से गणना कर सकते हैं। आज इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि हमारी अभिक्रियाओं का वेग ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, क्या उत्प्रेरक की उपस्थिति अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकती है, क्रियाकारक अणु किस प्रकार क्रिया करें कि अभिक्रिया का वेग अधिकतम हो, क्या उनका अभिविन्यास अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकता है। इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आइए हमारी चर्चा प्रारंभ करें। अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। ताप में परिवर्तन करने पर सामान्यतः अभिक्रिया का वेग भी परिवर्तित हो जाता है। इस तथ्य से हम सभी लोग भली भांति से परिचित हैं। जैसा कि हम हमारे दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि ताप में बदलाव करने पर अभिक्रियाएं तीव्र या मंद गति से होना प्रारंभ कर देती है। सामान्यतः हमने देखा है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रियाओं का वेग बढ़ता है। सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में ये देखा गया है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी जाए तो अभिक्रिया का वेग लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता की व्याख्या आरेनियस समीकरण द्वारा की जा सकती है। आरेनियस ने अपने बहुत सारे प्रयोगों के द्वारा मालूम किया कि अभिक्रिया वेग तथा ताप में परस्पर क्या निर्भरता होती है तथा उन्होंने एक समीकरण दिया जिसे हम आरेनियस के समीकरण के नाम से जानते हैं। यह समीकरण क्या है? K = A e to the power -EA/RT। K क्या है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। EA क्या है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अर्थात सक्रियण ऊर्जा। R गैस स्थिरांक होता है तथा T ताप होता है। A को हम कहते हैं पूर्व चर घातांकी गुणांक। यह अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। माना कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हाइड्रोजन व आयोडीन के मध्य हो रही है जिससे हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। यह अभिक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व क्या होता है कि अभिकारक अणु ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अभिकारक अणु ऊर्जा प्राप्त करने के बाद में एक मध्यवर्ती यौगिक बनाते हैं। अभिकारक अणुओं द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा जो उन्हें एक मध्यवर्ती यौगिक बनाने में काम आती है उसे ही हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इस मध्यवर्ती यौगिक की ऊर्जा बहुत अधिक होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊर्जा का मान अधिक होने पर उस वस्तु का स्थायित्व कम होता है, अतः अति शीघ्र ये उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है। अतः क्रियाकारकों से मध्यवर्ती यौगिक के बनने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा, जिसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ये के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। एक ग्राफ हमने यहाँ बनाया हुआ है, किसके बीच में? अभिक्रिया निर्देशांक तथा स्थितिज ऊर्जा के बीच में। स्थितिज ऊर्जा किसकी है? क्रियाकारक अणुओं की, उत्पादों की, तथा जो मध्यवर्ती यौगिक बना जिसे हम सक्रियित संकुल कहते हैं, एक कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसकी स्थितिज ऊर्जाओं की ग्राफ है। अभिक्रिया निर्देशांकों से अर्थ क्या है कि हमारा क्रियाकारक संकुल बना रहा है फिर वह उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। क्रियाकारक अणु जैसे हमने इस उदाहरण में लिया था हाइड्रोजन तथा आयोडीन, जब उन क्रियाकारक अणुओं को एक कॉम्प्लेक्स बनाना होता है तो उन्हें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के उसी न्यूनतम मान को हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। जब क्रियाकारक के अणु इस सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं तो वह एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, एक मध्यवर्ती यौगिक बनाते हैं जिसकी उच्च ऊर्जा के कारण वह अल्प समय में ही विघटित होकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। इस ग्राफ में आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे हैं
कि हमारे पास यहाँ इस ए पॉइंट पर ऊर्जा का मान क्या है, तथा जब ये उत्पाद प्राप्त हुआ है बी पॉइंट पर, तब ऊर्जा का मान क्या है। इन दोनों का जो ऊर्जा अंतराल है उसे हम एंथैल्पी कहते हैं, जिसे डेल एच के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। डेल एच का मान हमें बताता है कि कोई भी अभिक्रिया ऊष्मा गतिकी के रूप में किस प्रकार की है, अर्थात वह ऊष्मा छेपी है या ऊष्मा शोषी है। यदि डेल एच का मान हमारे पास धनात्मक आता है तो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है, यदि डेल एच का मान हमें ऋणात्मक प्राप्त होता है तो वह अभिक्रिया ऊष्मा छेपी होती है। इस ग्राफ को देखने पर हमें ये स्पष्ट तौर पर नज़र आ रहा है कि एच आई की ऊर्जा इनसे कम है, एच टू है आई टू से कम है, अर्थात यहाँ पर ऊष्मा बाहर निकली है, तो ये अभिक्रिया किस तरह की हो गई फिर हमारे लिए, ऊष्मा छेपी प्रकार की अभिक्रिया हमें प्राप्त होती है। ये ग्राफ हमें ये दर्शा रहा है। अभिक्रिया स्पीशीज के सारे अणुओं की गति ऊर्जा समान नहीं होती है, सभी अणु भिन्न भिन्न वेग से हर संभव दिशा में गति करते रहते हैं। उन अणुओं की दिशा कब परिवर्तित होती है, जब वो पात्र की दीवार से टकराते हैं या एक दूसरे से टकराते हैं। पात्र की दीवारों से टकराने के कारण या एक दूसरे से टकराने के कारण अणुओं की दिशा में परिवर्तन होता है, जिस कारण उनकी गतिज ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, उनकी गति कम या अधिक हो सकती है। बोल्ट्जमान तथा मैक्सवेल ने अधिक संख्या में अणुओं के व्यवहार को दर्शाने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया था, यानी कि स्टैटिक्स के आधार पर उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि गतिज ऊर्जा को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। उसके लिए एक ग्राफ दिया जाता है, ये ग्राफ किसके बीच में है, अणुओं का अंश तथा गतिज ऊर्जा के बीच में ये ग्राफ है। अणुओं का अंश क्या है, अणुओं का अंश किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, उसके लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, एन ई डिवाइडेड बाई एन टी। एन ई क्या है, एन ई अणुओं की वह संख्या है जिनके पास एक निश्चित ऊर्जा ई है, यानी ऐसे अणु जिनके पास ऊर्जा ई है, ई ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या को हम एन ई से लिखते हैं। एन टी का अर्थ क्या है, यहाँ पर सभी अणुओं की संख्या, जितने भी अणु हैं हमारे पास में उस पात्र के अंदर, उन सभी अणुओं की संख्या को एन टी से लिखते हैं। अतः अणुओं का अंश क्या हो गया हमारे पास, एन ई बाई एन टी। अब ये ग्राफ है गतिज ऊर्जा तथा अणुओं के अंश के बीच में। हमने देखा कि हमें क्या हो रहा है, इस ग्राफ का ये पीक पॉइंट है, अर्थात ये चोटी बिंदु है। इस चोटी बिंदु पर ये अणुओं का अंश सर्वाधिक है, जिनकी गतिज ऊर्जा का मान ये है, अर्थात अधिकांश अणुओं की गतिज ऊर्जा ये है। सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा हम जानते हैं कि समान नहीं होती है, अधिकांश अणुओं की गतिज ऊर्जा कैसी होती है, औसत होती है, बाकी के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या तो कम होगी या थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में है। यदि हम अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस से परिवर्तित कर देते हैं तो क्या होता है, ये देखिए हमारे पास में दो ग्राफ बने हुए हैं, किसके बीच में है ग्राफ, गतिज ऊर्जा तथा अणुओं के अंश के मध्य में ग्राफ है। ये जो हमारा पहला वाला ग्राफ है ये किसके लिए है, जब हमारा ताप कैसा हो, टी, इस ग्राफ की पीक हाई है। ये दूसरा ग्राफ जिसकी पीक लो है वो कब है, जब हमारा ताप क्या हो, टी प्लस 10, अर्थात हमने अभिक्रिया के ताप को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। जैसे ही हम ताप का मान बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास उत्पादों की संख्या पहले की तुलना में दुगनी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वो अणु जिनके पास सक्रियण ऊर्जा से थोड़ी कम ही ऊर्जा उपस्थित थी, 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर उन्हें भी सक्रियण ऊर्जा के समान ऊर्जा प्राप्त हो गई तथा वह आसानी से उत्पादों में परिवर्तित हो गए। ग्राफ का ये छायांकित क्षेत्र क्या दिखा रहा है, उत्पादों की मात्रा को दिखा रहा है। देखिए ये नीचे वाला जो क्षेत्र है ये कब दिखा रहा है, जब हमारा तापमान कितना था, टी। ऊपर वाला क्षेत्र कब का है, जब हमने ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है, तो जैसे ही ताप की मात्रा बढ़ी है उत्पादों की मात्रा लगभग दोगुना बढ़ गई है। आरेनियस समीकरण के अनुसार के किसके बराबर होता है, ए
e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। इस समीकरण का अगर हम दोनों पक्षों में प्राकृतिक लघुगणक ले तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम इसका प्राकृतिक लघुगणक क्यों लें, 10 का आधार वाला भी तो ले सकते हैं। प्राकृतिक लघुगणक लेना हमारे लिए यहाँ आसान इसलिए है क्योंकि यहाँ हमें ई दिया हुआ है। प्राकृतिक लघुगणक का अर्थ क्या होता है, लॉग ई के बेस पर ई। जब लॉग ई के बेस पर ई आता है तो उसका मान हमारे पास कितना होता है, एक होता है। जैसे लॉग 10 के आधार पर 10 का मान कितना होता है, एक होता है। ठीक इसी प्रकार जब हम इस समीकरण का प्राकृतिक लघुगणक लेंगे तो हमें समीकरण ये प्राप्त होती है, ln k किसके बराबर होता है, माइनस ए बाय आर टी प्लस ln a के बराबर होता है। इस समीकरण की तुलना हम एक सरल रेखा के समीकरण y इक्वल्स टू mx प्लस c से कर सकते हैं। जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो एक ग्राफ हम यहाँ आसानी से बना सकते हैं। वह ग्राफ किसके मध्य में होगा, ln k तथा 1/t के मध्य में। इस ग्राफ का ढाल अर्थात स्लोप किसके बराबर होगा, माइनस ए बाय आर के। जिसका ढाल किसके बराबर आएगा, माइनस ए बाय आर के। इस ग्राफ का जो अंतःखंड है, अंतःखंड का मतलब ये हो गया हमारा इस ओ पॉइंट से स्टार्ट होकर के यहाँ पॉइंट तक की वैल्यू। जो इसका इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ln a के बराबर होती है। माना कि हमारे पास दो ताप T1 व T2 है। अब T1 व T2 ताप पर आरेनियस समीकरण को इस प्रकार से लिखा जाता है। यदि हम समीकरण दो में से समीकरण A को घटाएं तो हमें यह समीकरण इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है, ln K2 माइनस ln K1 इक्वल्स टू क्या होगा, ए बाय आर T1 माइनस ए बाय आर T2। हमने देखिए T1 को पहले ले लिया है, इसका माइनस का निशान कहाँ चला गया, क्योंकि हमने घटाया था। जब घटाते हैं तो माइनस से माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, वो प्लस बन जाता है। इसलिए देखिए इसका माइनस का निशान हमने हटाया हुआ है। उपरोक्त समीकरण को हम फिर से व्यवस्थित करके इस प्रकार से लिख सकते हैं, ln K2 by K1 equals to EA by R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। हमने यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ कर लिया है। जब लॉग हमारे पास माइनस में होते हैं तो हम उन्हें डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये नेचुरल लॉग है, इस नेचुरल लॉग को 10 के आधार वाले लॉग में परिवर्तित कर देते हैं। कैसे करेंगे, 2.303 लगा करके। जो 2.303 यहाँ आता है उसे हमने यहाँ लगा दिया है सीधा डिवाइड के फॉर्म में। अब समीकरण हमारे पास क्या बन के आ गया है, लॉग K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू ए बाय 2.303 आर इंटू T2 माइनस T1 बाय T1 T2। अभी तक हमने चर्चा की कि ताप में परिवर्तन करने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। हमने ग्राफ की सहायता से यह समझा कि 10 डिग्री सेल्सियस यदि ताप बढ़ा दिया जाता है किसी रासायनिक अभिक्रिया का, तो हमें उत्पादों की मात्रा लगभग 2 गुना हो जाती है। आरेनियस समीकरण द्वारा हमने देखा कि अलग अलग तापांतर पर हम किस प्रकार से हमारे वेग स्थिरांकों की गणना कर सकते हैं। अब आरेनियस सिद्धांत को ही हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करके देखेंगे तथा देखते हैं कि उन न्यूमेरिकल्स का आंसर हम किस प्रकार से निकाल पाएंगे। हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। किसी अभिक्रिया के 500 केल्विन तथा 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.02 सेकेंड इनवर्स तथा 0.07 सेकेंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया के लिए ए व ए की गणना करनी है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है और पूर्व चर घातांक की गुणांक की गणना करनी है। हमारे पास समीकरण क्या है, लॉग K2 बाय K1 किसके बराबर होगा, ए बाय 2.303 इंटू आर इंटू T2 माइनस T1 बाय T1 T2। ये सभी मान जैसे हमें पता है हमारे पास T1 कितना है, 500 केल्विन है, T2 कितना है, 700 केल्विन है, K1 का मान कितना है, 0.02 है तथा K2 का मान 0.07 है। ये सभी मान हम इस समीकरण में स्थापित कर देते हैं। जब इस समीकरण को हम सरल करते हैं तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी अर्थात EA का मान
प्राप्त हो जाता है, जो कितना है 18230.8 जूल। जैसे ही हमें ईए का मान प्राप्त हो गया, हमारे पास आरहेनियस समीकरण होता है के इक्वल्स टू ए टू दी पावर माइनस ईए बाय आरटी। ये सभी मान इसमें रख कर के हम ए की गणना करेंगे और ए का मान हमारे पास प्राप्त हो जाता है 1.61। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अपघटन में प्रथम कोटि वेग स्थिरांक दे दिया है, अर्थात यह अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर की है। उसका मान है 1.6 × 10^-5। अब सवाल है हमारे सामने कि सकरण ऊर्जा है 209 किलो जूल पर मोल। अब कहता है कि 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, अर्थात हमारे पास ताप T1 है 600 केल्विन तथा ताप T2 है 700 केल्विन। हमारे पास K1 का मान है 1.6 × 10^-5 तथा K2 का मान हमें ज्ञात करना है। इन सभी मानों को हम इस समीकरण में स्थापित कर लेते हैं। जब ये सभी मान इस समीकरण में स्थापित करके हम हमारी गणना प्रारंभ करते हैं, तो देखते हैं कि K2 का मान हमें 6.36 × 10^-3 प्राप्त होता है, जो किस ताप पर है 700 केल्विन ताप पर। अब हम इस सवाल को सरल करने का प्रयास करेंगे। सवाल क्या है, ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। देखिए, ताप बढ़ाया तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना बढ़ गया। इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा की गणना ये मानते हुए कीजिए कि इसका मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात हमें ईए का मान निकालना है। किसकी सहायता से निकालेंगे, आरहेनियस समीकरण की सहायता से निकालेंगे। हमारे पास में क्या आ गया, लॉग K2/K1 इक्वल्स टू क्या होता है ईए बाय 2.303 आर T2 - T1 T1/T2। अब हमारे पास न्यूमेरिकल में सभी मान दिए हुए हैं, उन सभी मानों को हम यहाँ पर स्थापित करेंगे। देखिए K2/K1 क्या है, हमें बता दिया गया है 4 गुना हो जाता है, इसलिए हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया है, लॉग 4। तापांतर हमें दे दिया गया है, T1 है 293 तथा T2 कितना है 313। R क्या होता है, गैस स्थिरांक होता है, जिसका मान हम जानते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ गैस स्थिरांक R का मान हम लोगों ने लिखा हुआ है 1.987, ये कैलोरी में दिया गया है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो। आपने अभी तक जैसे जूल में मान देखा होगा 8.314, लेकिन ध्यान रखिए ये यहाँ पर हम कहाँ लाए हैं, कैलोरी में मान को लिखा हुआ है। अब दिए गए मानों के लिए हम इस समीकरण को जब सॉल्व करते हैं तो हमें मान प्राप्त होता है, हमें ईए कितना होगा 13222.98 कैलोरी, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा 13.311 किलो कैलोरी। अब हम इस सवाल को सरल करने का प्रयास करेंगे। हाइड्रोकार्बन का विघटन निम्न समीकरण के अनुसार होता है, ईए की गणना कीजिए, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। समीकरण हमें दे दिया गया है, के का मान है। अब देखिए के का मान जो हमें दिया हुआ है, इस के मान की तुलना हम आरहेनियस समीकरण के साथ करते हैं, तो देखते हैं के से के क्या है, बात एक ही है। ए का मान हमें क्या दे दिया है, 4.5 × 10^11 सेकेंड इनवर्स हमारे पास ये दिया है। ई का मान क्या है, माइनस ई ए बाय आर टी, यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस 28,000 के बाय टी। हमें किसका मान निकालना है, ईए का, तो हम सिर्फ इसी फैक्टर को इस फैक्टर के साथ में तुलना करेंगे। जब हम तुलना करते हैं तो हमें समीकरण क्या प्राप्त होता है, ईए बाय आर टी इक्वल्स टू 28,000 के बाय टी। देखिए टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ईए बराबर क्या आएगा, आर गुणा 28,000 के। आर का मान हम जानते हैं, गैस स्थिरांक है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू 28,000 के। यहाँ देखिए के पावर एक है, यहाँ के का पावर -1 है, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जब हम इसको सरल करेंगे तो हमें सकरण ऊर्जा का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 232.792 किलो जूल पर मोल प्राप्त हो जाता है। उत्प्रेरक का प्रभाव, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को
कोई उत्प्रेरक किस प्रकार से परिवर्तित कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग बढ़ जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया किसी और मार्ग से होना प्रारंभ कर देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक उत्प्रेरक के साथ क्रिया करके एक ऐसा मध्यवर्ती यौगिक बनाते हैं जिसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो अभिक्रिया का वेग स्वतः ही बढ़ जाता है, जिससे कि हम इस ग्राफ के द्वारा आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए हमारे पास में क्या है, अभिक्रिया निर्देशांक। इसका अर्थ क्या हुआ कि अभिक्रिया है, मध्यवर्ती बनेगा, फिर उत्पाद में परिवर्तित होगा। इस तरफ हमने ले लिया है y एक्सिस पे ऊर्जा को। ये हमारे पास अभिक्रमक है। ये जो एक सॉलिड लाइन बनी हुई है, ये लाइन कब है? जब उत्प्रेरक के बिना हम अभिक्रिया करवाते हैं तो। यदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो उस ग्राफ को इस डॉटेड लाइन की सहायता से दर्शाया गया है। अब आप देखिए कि इस ग्राफ का पीक तथा इस ग्राफ के पीक में कितना अंतर हमारे पास में आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो गया। यह तभी संभव है जब किसी और प्रकार का मध्यवर्ती यौगिक बनता हो, अर्थात क्रियाकारक उत्प्रेरक से क्रिया करके किसी नए प्रकार के मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करते हैं, जिस कारण हमारी रासायनिक अभिक्रिया शीघ्रता से पूर्ण हो जाती है। जब अभिक्रिया शीघ्रता से पूर्ण होती है, अर्थात अभिक्रिया का वेग बहुत अधिक होता है, अतः हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरकों की उपस्थिति में अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है, क्योंकि उत्प्रेरक अभिक्रिया को किसी नए मार्ग के द्वारा संपन्न करवाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का संघट्य सिद्धांत, अर्थात कोलिजन थ्योरी, इसे मैक्स ट्राउज तथा विलियम लुइस ने प्रतिपादित किया था। इसका अर्थ क्या है कि यदि कोई भी क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होना चाहता है तो उसके लिए क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्कर होनी आवश्यक है। जब भी क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्कर होती है तो क्रियाकारक के अणु अपने परमाणुओं के साथ बंध तोड़ करके किसी दूसरे क्रियाकारक के अणु के परमाणुओं के साथ बंध बनाते हैं, जिससे हमें उत्पाद की प्राप्ति होती है। माना कि कोई एक द्विअणुक अभिक्रिया है जिसमें ए और बी दोनों क्रिया करके क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। इस अभिक्रिया के वेग को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। क्या हो सकता है इसके लिए वेग, जेड ए बी इंटू ई माइनस ए बाय आर टी। यह समीकरण हमें आरहेनियस समीकरण जैसा प्रतीत होता है। आरहेनियस समीकरण में हम ए लिखते थे, यहाँ पर हम किसका उपयोग करें, जेड ए बी। जेड ए बी का क्या अर्थ है, ए बी है क्रियाकारक के अणु, जेड क्या है, टक्करों की संख्या, कोलिजन फ्रिक्वेंसी। टक्करों की संख्या क्या होती है, प्रति सेकंड इकाई आयतन में होने वाली टक्करों की संख्या। कोलिजन फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, टक्कर आवृत्ति। प्रति सेकंड इकाई आयतन में होने वाली टक्करों की संख्या को कोलिजन फ्रिक्वेंसी या टक्कर आवृत्ति कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रियाओं का गहराई से अध्ययन किया गया तो यह पाया गया कि अभिकारक अणुओं का एक किसी निश्चित दिशा में या एक निश्चित अभिविन्यास में एक दूसरे से टकराना जरूरी होता है। यदि यह टक्कर एक निश्चित अभिविन्यास में नहीं होती है तो उत्पादों की प्राप्ति नहीं होती है। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। माना कि कोई रासायनिक अभिक्रिया इन दो क्रियाकारक अणुओं के मध्य हो रही है। क्रियाकारक के अणु हमारे पास में ए और बी है। जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, टकरा करके ये एक मध्यवर्ती यौगिक बनाएंगे जिसकी ऊर्जा बहुत अधिक होगी, परिणाम स्वरूप ये जल्दी ही उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि ये टक्कर इस प्रकार से हो, ए है हमारे पास, इससे कौन टकरा रहा है, बी आकर के टकरा रहा है, तब हमारे पास क्या उत्पाद बनेगा, उस समय हमारे पास किसी भी प्रकार की उत्पाद की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि जो टक्कर है वो एक निश्चित दिशा में नहीं हुई, ये टक्कर परिणामकारी नहीं हुई, इस टक्कर से हमें कोई भी उत्पाद नहीं मिला। अतः अभिकारकों को टकराने के लिए एक निश्चित दिशा
होनी चाहिए। जब वो एक निश्चित दिशा में टकराते हैं तो ही हमें उत्पादों की प्राप्ति होती है। हर किसी संभव दिशा में टकराने पर उत्पाद प्राप्त नहीं हो सकते हैं। आइए एक और उदाहरण द्वारा इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। ब्रोमोमीथेन की क्रिया हम OH आयन के साथ करवा रहे हैं। विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण ब्रोमाइड आयन पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है तथा कार्बन पर धनात्मक आवेश आ जाता है। अब OH आयन को कार्बन के ऊपर अटैक करना है। अटैक करने की दिशा क्या हो सकती है? यदि ये सामने से अटैक करे, जैसे हमने प्रथम एग्जाम्पल में यहाँ दिखाया हुआ है, अगर सामने से अटैक करता है तो क्या होता है, ऋणावेश तथा ऋणावेश के बीच में प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होने के कारण यह होने वाली टक्कर प्रभावी नहीं होती है। इस कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। यदि OH आयन पीछे की तरफ से आकर के टकराए तो क्या होगा, एक मध्यवर्ती कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। OH आयन पीछे की तरफ से आकर के आसानी से कार्बन से टकरा सकता है। OH आयन पर नेगेटिव चार्ज है तथा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। इस कारण ये टक्कर कैसी होती है, प्रभावी होती है, तो हमें उत्पाद की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात यदि अभिविन्यास यानी कि ओरिएंटेशन अगर सही नहीं है तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यदि ओरिएंटेशन सही है तो हमें उत्पादों की प्राप्ति होती है। इसलिए इस समीकरण में हमें एक संशोधन करने की आवश्यकता होती है और संशोधन स्वरूप हम इस समीकरण को क्या लिखते हैं, वेग किसके बराबर होगा, पी इंटू जेड ए बी ए की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। यहाँ पी का अर्थ है ओरिएंटेशन फैक्टर, अभिविन्यास गुणांक, जिससे गुणा करके हमने इस वेग समीकरण को सही कर लिया है। इस पाठ में हमने अध्ययन किया कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के औसत वेग तथा ताक्षणिक वेग के बारे में हमने जाना, किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि तथा उसकी अणुसंख्याता का निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया की कोटि एक प्रयोगात्मक इकाई है जिसे हम सिर्फ प्रयोग के द्वारा ही निर्धारित कर सकते हैं, अर्थात वो एक प्रैक्टिकल क्वांटिटी है। शून्य कोटि तथा प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए हमने अवकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण तथा उनके अर्धायुकाल की गणना की। हमने यहाँ पाया कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता ही नहीं है, उससे वो एकदम से फ्री है, इंडिपेंडेंट है। हमने ये देखा कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रियाओं का वेग किस प्रकार से बढ़ जाता है। आरिनियस ने एक्सप्लेन किया कि टेम्परेचर में चेंज करने पर अभिक्रिया वेग में क्या परिवर्तन आता है। उत्प्रेरकों की उपस्थिति में किसी अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उत्प्रेरक एक नए मार्ग से अभिक्रिया करवाते हैं जहां कम सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता हमें होती है। हमने यह भी जाना कि यदि अभिकारक अणु एक सही दिशा में आकर के टकराते नहीं है तो उत्पाद नहीं बनता है। किसी उत्पाद की प्राप्ति के लिए यह अति आवश्यक है कि हमारे अभिकारक के अणु एक सही दिशा में आकर के टकराएं, अर्थात उनका अभिविन्यास एकदम से सही हो। इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आपसे मुलाकात होगी अब किसी और अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार।